रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप जीतने के लिए मिल गया है नया फंडा। जी हाँ, इस नए प्लान से रोहित शर्मा बिल्कुल पूरी टीम इंडिया को बदल कर बैठ गए हैं। ये वो टीम इंडिया है अब जिसको दावेदारी वर्ल्ड कप में थी तो पहले से, पर अब इतनी मजबूत हो गई है कि इसको हराना ही लगभग नामुमकिन हो गया है। सोचिए, जो काम 20 साल से नहीं हुआ था आज वो भी हो गया, और इस पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मुकाबला ऐसा नहीं गया जहाँ टीम इंडिया फंसी रह गई हो। आप पहला मुकाबला याद करेंगे, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ 0 पे रोहित शर्मा आउट हो गए थे, लेकिन कोहली और राहुल ने मैच जिताया। उसके बाद दूसरा मैच हम एक तरफा जीते, फिर पाकिस्तान को एक तरफा हराया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो वो टीम थी ना जिसको हम हरा नहीं पाए थे 20 साल से, 2003 में आखिरी बार हराया था, उसको भी हरा दिया। ये सब हो कैसे रहा है? दरअसल इसकी वजह है रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी में बदली टीम इंडिया। टीम इंडिया की अगर आप 2019 की बात करेंगे तो टीम इंडिया पहले सेंसिबल ओडीआई क्रिकेट खेलती थी, अब उसने थोड़ा सा बदल दिया इसे। रोहित शर्मा की कप्तानी में कहा गया कि भैया व्हाइट बॉल को अब थोड़ा सा बदल के खेलते हैं, हम अटैकिंग मोड शुरू करेंगे और जो पहले 10 ओवर हैं, जो पहला पावर प्ले होता है, वो हमें अपनी साइड ले लेना है और उसमें से ही जो विरोधी टीम है उसको ऐसे उठा के बाहर फेंकना है कि वो वापस आ ही नहीं पाए, वो वापस उस स्पेस को पकड़ ही नहीं पाए। 2019 तक टीम इंडिया का जो ODI का पहले 10 ओवर का रन रेट था वो 4.8 का रहता था और वो फुदक कर 6.2 का हो गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। रोहित शर्मा पहले मैच में 0 पे आउट हो गए थे लेकिन दूसरे मैच में 131 बनाए, उसके बाद फिर 86 रन की पारी आई, उसके बाद फिर 48 रन की पारी आई, फिर 46 रन की पारी आई। और इस पारी की सबसे खास बात यह है कि आप पहली ओवर में बाउंड्री देखते हैं और पहले ओवर में बाउंड्री से ये सेट हो जाता है कि आपको जो प्रीमियम गेंदबाज है उसको हम हिट करके खेलेंगे, और हमने जहां उसको हिट कर दिया तो टीम ने बाकी का मोराल डाउन कर दिया। आपको याद होगा विराट कोहली जब धोनी के साथ खेलते थे बड़े ही आराम से सुकून से खेलते थे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता था। अब रोहित शर्मा यही काम कर रहे हैं। रोहित शर्मा पहले 10 ओवर में शुभमन गिल के साथ मिलकर ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिससे होता यह है कि जो आपकी टीम होती है वो फंसती नहीं है। अब मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर नहीं रहता, अफगानिस्तान के आगे ऑस्ट्रेलिया वाला छोड़ देते हैं, हम 0 पे आउट हो गए थे लेकिन उसके बाद 27 रन बने थे ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी पहले 10 ओवर में, उसके बाद 94 बने, फिर 69 बने, फिर उसके बाद 63 बने, आज फिर 63 बने पहले 10 ओवर में। सोचिए 9.5 का स्ट्राइक रेट करीब, फिर 7.9 का स्ट्राइक रेट, 6.9, फिर 6.3, मतलब 6 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ पहले 10 ओवर में रोहित शर्मा कप्तानी में वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेली है। यानी कि आपने हर मैच में चेस किया और पहले 10 ओवर में मैच अपनी साइड कर लिया। जब आप सोचिए आप कुछ बड़ा टारगेट तो चेस कर नहीं रहे और पहले ओवर में अगर आप इस 6 से ऊपर से रन बनाएंगे तो आप ऑलरेडी गेम को आधा जीत चुके हैं, सामने वाली टीम के कंधे नीचे हो चुके हैं, मोरल डाउन हो चुका है, उसका जो प्रीमियम बॉलर था वो कुट चुका है। अब ये बड़ा अतरंगी फॉर्मेट है, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग आप कह सकते हैं, लेकिन इससे होता ये है कि जो मिडल ऑर्डर होता है उसे बड़ा सुकून मिल जाता है। रोहित शर्मा की वजह से जो प्रेशर हटता है, शुभमन गिल की वजह से जो प्रेशर हटता है, उसकी वजह से KL राहुल और विराट कोहली ये बड़े सुकून से खेल पाते हैं। आज पहली बार जो मैच था जिसमें आउट हुए विराट KL राहुल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उससे पहले तक वर्ल्ड कप में वो आउट नहीं हुए थे। विराट कोहली लगातार रन बना रहे हैं, कल उन्होंने 95 मारे, उससे पहले उन्होंने शतक मारा था, लगातार 50 जड़े। अब समझ सकते हैं ना अब कि किस हिसाब से टेम्पलेट पूरा चेंज हो गया रोहित शर्मा कप्तानी में। अब जो एक दिक्कत बची है वर्ल्ड कप में, वो सबसे बड़ा हर्डल है सेमीफाइनल। हम अगर सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो भैया कप्तानी में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कहता है कि व्हाइट बॉल में फाइनल हारते नहीं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं अगर टीम इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा कप्तानी में सेमीफाइनल जीतना है। और जैसा फॉर्म नज़र आ रहा है, जैसा टीम का टैम्पलेट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है इसमें कुछ खास दिक्कत होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस टैम्पलेट के साथ वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या रोहित शर्मा के प्लान के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप में झंडा गाड़ पाएगी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।